सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता, आज IFPH के 465वें हिंदी सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। और सर का आज का सेशन है ओफिडिया समूह की दवाओं का तुलनात्मक अध्ययन का सार। इससे पहले कि सर अपना टॉपिक शुरू करें, वैसे तो सर को सभी लोग जानते हैं, सर की लिखी हुई किताबें हम सभी लोगों के पास हैं ही, बट फिर भी मैं सर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सर का स्पेशलाइजेशन मटेरिया मेडिका में है और सर अभी करेंटली फॉस्टर डेवलपमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रोफेसर और PG कोऑर्डिनेटर हैं। सर को एज अ PG गाइड और PG टीचिंग करते हुए 27 सालों का एक्सपीरियंस है और UG टीचिंग करते हुए 47 सालों का, मतलब लगभग 5 सालों से सर टीचिंग की फील्ड में हैं। और इसके साथ में सर को 27 सालों का एज अ प्रिंसिपल के डिजिग्नेशन का भी एक्सपीरियंस है और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट भी रह चुके हैं सर। और 2006 से लेकर 2011 तक सर 5 साल काम किए हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर। और सर ने डिफरेंट इंटर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज कराए हैं और सर को डिफरेंट अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि जीवन गौरव पुरस्कार 2023, डॉक्टर महेंद्र सिंह मेमोरियल अवार्ड 2017, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ अश्वमेध 2008 में दिया गया था ये, नेशनल साइंटिफिक सेमिनार रिसोर्स पर्सन रह चुके हैं और इसके साथ में एक्सपर्ट स्पीकर का भी अवार्ड दिया जा चुका है सर को। और सर ने अप्रोक्स 30 यूनिवर्सिटी में एज अ एग्जामिनर और इंस्पेक्शन टीम की तरह भी विजिट किया है। और सर की कुछ किताबें हैं जिनमें से कुछ आप सबों की लाइब्रेरी में होगी ही, जैसे कि जेम्स टेक्स बुक ऑफ इंडिया मेडिका, जेम्स ऑफ ऑब्स गाइनी विथ होम्योपैथिक थेरापूटिक, जेम्स पायोनियर्स ऑफ होम्योपैथी, PG टारगेट, जेम्स सॉरी ग्रुप स्टडी इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, और ऐसे ही लगभग 15 किताबें हैं जो सर ने लिखी है। और इसके साथ में सर मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आज का आप अपना सेशन शुरू करें। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर पाटिल, डॉक्टर पाटिल आप सुन रहे हैं? हाँ सर, आप शुरू कीजिए। सर वापस म्यूट पे चले गए हैं आप, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट किया है। हाँ हाँ ये सर, जी जी सर, अभी आ रही आवाज। सर्वप्रथम मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रैक्टिशनर्स, स्टूडेंट्स, सभी को मेरा प्रणाम। और खास करके मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहनी सर का, जो कि सीनियर मोस्ट होम्योपैथ है, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आने के लिए मौका दिया है। तो उनका मैं सर्वप्रथम शुक्रगुजार हूँ। आज का जो टॉपिक सिलेक्ट किया गया है वो है ऑफिडिया ग्रुप के जो डिफरेंट मेडिसिन है, दवाइयाँ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन स्टडी हम आज करेंगे। लेकिन कंपैरेटिव स्टडी करने से पहले मैं चाहूंगा कि ऑफिडिया जो स्नेक ग्रुप है उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ। तो ये जो ऑफिडिया ग्रुप है, ये सभी जानते हैं कि ये जो मेडिसिन्स है, ये स्नेक की जो वेनम है उससे बनाई जाती है। दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग जाति के स्नेक्स हैं, जो कि करीब करीब 2700 के ऊपर उनकी प्रजातियां है। उनमें से कुछ पॉइजनस है, कुछ नॉन पॉइजनस है।
अप्रोक्सीमेटली 2700 के ऊपर उनकी स्पीसीज है, और हमारे इंडिया में करीब करीब 300 के आसपास स्पीसीज हमें दिखाई देते हैं। तो इनमें से जो पॉइजनस स्नेक्स है, उनके पॉइजन से होम्योपैथी में दवाइयाँ बनाई जाती है। करीब करीब ऐसे 50 स्नेक्स है जो कि बहुत पॉइजनस है, और उनमें से 15 से 18 से लेकर कम से कम बहुत ही डेडली पॉइजनस स्नेक्स है कि जिनकी वजह से होम्योपैथी में हम दवाइयाँ बनाते हैं। अभी ये जो पॉइजन है, इससे जो होम्योपैथी में दवाइयाँ बनाई गई, तो सबसे पहली दवाई जो है वो डॉक्टर हेरिंग ने 1828 में सबसे पहले लैकेसिस नाम के दवाई का आविष्कार किया, उसको प्रूव किया गया। ये स्नेक के बारे में सारी दुनिया में एक सब लोगों को एक अट्रैक्शन होता है कि बिकॉज स्नेक जो है वो बहुत ही सीक्रेटिव एनिमल है, तो उसकी वजह से उसके बारे में सारी दुनिया में अलग-अलग जो मजहब है उनमें अलग-अलग इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसे कि हमारे इंडिया में हिंदुइज्म में हम देखते हैं कि एक आख्यायिका है, एक लीजेंड है कि लॉर्ड विष्णु जो है वो सांप के ऊपर लेटे हुए है, या फिर हमारी जो पृथ्वी है वो शेषनाग जो है उनके फन के ऊपर टिकी हुई है। ऐसे ही अलग अलग मजहब में भी बहुत सारे आख्यायिका है। तो उनमें से जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये रिबर्थ और जो ये इविल है उनके साथ उन्होंने जोड़ा है। जैनिज्म में अभी ऐसा दिया गया है कि ये जो स्नेक्स है उनके हुड के नीचे पारसनाथ ने बहुत बड़ी तपश्चर्या की थी, वैसे ही लॉर्ड बुद्धा जो है उन्होंने भी तपश्चर्या करते समय उनको जो प्रोटेक्शन दिया गया वो एक हुडेड सांप ने, सेवन हुडेड सांप ने उनको प्रोटेक्शन दिया था। तो इस प्रकार की अलग अलग बातें हैं जो कि कही जाती है सारी दुनिया में। ये जो स्नेक्स है ये रियलिटी में हमारे फ्रेंड्स है, वो पॉइजनस है, उनकी वजह से बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन हमारे जो फार्मर्स है उनके लिए ये बहुत बड़े फ्रेंड्स है, क्योंकि अगर ये स्नेक्स ना होते तो शायद फार्मर्स का जो ग्रेन्स है उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन उनकी वजह से आज हम ग्रेन को पैदा कर सकते हैं और ग्रेन को रख सकते हैं। वैसे ही स्नेक जो पॉइजन है वो पॉइजन से एंटीवेनम बनाया जाता है जो कि लाइफ सेविंग है। एलोपैथी में अलग अलग प्रकार के एंटीवेनम्स बनाए जाते हैं, सीरम बोलते हैं हम उसको। वैसे ही स्नेक की जो स्किन है उसकी वजह से, बिकॉज स्नेक जो है बहुत ही अट्रैक्टिव एनिमल्स है, डिफरेंट टाइप्स के स्नेक्स है, तो उनकी डिजाइन, उनके स्किन की डिजाइन अलग अलग होती है, तो उसकी वजह से भी ये जो स्नेक्स है उनको मारा जाता है, और उनके स्किन से अलग अलग प्रकार की अट्रैक्टिव जैसे कि शूज है, जैसे कि पर्स है, ऐसे अलग अलग एटम्स बनाए जाते हैं। ये जो स्नेक्स है ये दो प्रकार के स्नेक्स होते हैं, जैसे कि कोई पानी में रहते हैं और ज्यादा करके स्नेक जो है वो जमीन के ऊपर रहते हैं। अब पानी में रहने वाले जो स्नेक्स है उनको हम एक्वेटिक स्नेक्स कहते हैं, जो कि बहुत बड़े डीप सी में, ओशन में कुछ ये होते हैं और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, लेकिन ज्यादा करके जो जमीन के ऊपर रहते हैं जिनको हम टेरेस्ट्रियल स्नेक्स कहते हैं। तो इनमें भी दो अलग अलग प्रकार के स्नेक्स होते हैं, जो कि फोसोरियल है जो कि बिल में रहते हैं, और दूसरे जो है वो पेड़ों के ऊपर रहते हैं उनको हम आर्बोरियल कहते हैं। ये जो स्नेक्स है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉइजनस और दूसरे नॉन पॉइजनस। तो पॉइजनस स्नेक जो होते हैं
उनमें से हमारे होम्योपैथी में दवाइयां बनाई जाती है। जो नॉन पॉइजनस है वो सबसे बड़े होते हैं, जिनको हम पाइथॉन्स कहते हैं, एनाकोंडा, जो बोइडी फैमिली से, बोइडी ग्रुप से आते हैं। और पॉइजनस स्नेक जो है उनमें दो ग्रुप्स होते हैं, इलापीडी और वाइपेरिडी। इलापीडी जो है वो भी बहुत आकार से बहुत बड़े होते हैं। इनमें जैसे कि नाजा ट्रिपिडियंस है, जिसे हम कोबरा कहते हैं, इलाप्स कोरेलियंस, देन बंगारस जिसको हम क्रेट्स कहते हैं, ब्लैक मंबा जैसे डेडली पॉइजनस जो डेंड्रोएस्पिस कहते हैं हम उनको, और कुछ हेड्रोपीडी जाति के जो कि पानी में रहते हैं लेकिन फिर भी उनको इलापीडी के अंदर रखा गया है। तो इनका जो पॉइजन है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, और इलापीडी के स्नेक जो है वो बार बार काटते हैं, मतलब एक ही स्ट्रोक में नहीं, उनको दो तीन बार स्ट्रोक लगाना पड़ता है, जो कि पॉइजन किसी जहां भी जिसके ऊपर उनको अटैक करना है उनके शरीर में डालने के लिए। और वाइपरिडी जो है वो आकार से भले ही छोटे होते हैं लेकिन उनके जो ऑर्गन्स है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। इनमें भी दो ग्रुप्स हो, सब ग्रुप्स होते हैं। तो पहला जो है वो है क्रोटैलिडी, जिसके अंदर क्रोटैलस फरीडस है, क्रोटैलस कैस्कैवेला है, लैकेसिस म्यूटा है, सेंक्रिस कॉन्ट्रोटिक्स है। ऐसे स्नेक्स आते हैं जो कि डेडली पॉइसनस है। इसी के अंदर दूसरा जो है वाइपेरिनी जो सब क्लास है, तो इसके ऊपर वाइपेरा और बथ्रॉस लैंसियोलेटस, ये दो प्रकार के स्नेक्स आते हैं। तो वाइपेरिडी जो है बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होते हैं और एक ही स्ट्रोक में वो सारा पॉइजन उगल देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पॉइजनस स्नेक्स है इनके पॉइजन से होम्योपैथी में दवाइयां बनाई जाती है। जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहली जो होम्योपैथिक दवा है उसको प्रूव किया गया है डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन हेरिंग ने। तो ये जो पॉइजन है इसकी, ये एक्चुअली ये सलाइवा है, ये मॉडिफाइड सलाइवा है जो कि डिफरेंट एंजाइम्स और डिफरेंट प्रोटीन से बनी बनी हुई होती है। केमिकली ये एसिडिक होती है नेचर से, और इनको साइनोहाइड्रेट ऑफ सोडा भी कहा जाता है। इसके साथ में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। ये एक प्रकार का केमिकल मिक्सचर होता है जिसके अंदर टॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं और अलग अलग प्रकार के 20 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। ये इनऑर्गेनिक कंटेंट्स भी इसके अंदर बहुत सारे हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो एक प्रकार की मॉडिफाइड सलाइवा है जो कि पॉइजन बोलते हैं उसको। ये जो इलापिड्स होते हैं ये जनरली न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। इसका जो परिणाम है हमारी जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर इसका ज्यादा एक्शन होता है, और इसके अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो कि न्यूरोमस्कुलर को ब्लॉक कर देते हैं। वाइपरिनी जो क्लास है तो उनका वेनम हिमोटॉक्सिक ज्यादा होता है। एक्चुअली सभी स्नेक्स में मिक्स पॉइजन होता है, हिमोटॉक्सिक भी होता है और न्यूरोटॉक्सिक भी होता है, मतलब कम ज्यादा। जैसे कि कोबरा है उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन ज्यादा होगा, तो लैकेसिस है उसके अंदर हिमोटॉक्सिक ज्यादा, लेकिन मिक्स होता है। तो ये नर्वस सिस्टम के ऊपर भी काम करते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर भी काम करते हैं, ब्लड के ऊपर काम करते हैं। ये इनके अंदर हिमोलिटिक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से नेक्रोसिस होता है। ये जो सब्सटेंस है, ये वेनम जो है, तो इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन इनके अंदर दिखाई देता है, जैसे कि बैथ्रॉप्स है और वाइपेरा है। तो ये क्या करते हैं कि एंडोथेलियम को डैमेज करते हैं और पूरी तरह से नेक्रोसिस बना देते हैं। सी स्नेक जो होते हैं वो भी डेडली पॉइजनस होते हैं, उनके अंदर भी बहुत ही
ज्यादा पॉइजन होता है जिसकी वजह से जान जा सकती है। तो हमारे होम्योपैथी में ये अलग अलग प्रकार के स्नेक से जो दवाई बनाई जाती है, करीब करीब 17 से 18 दवाइयां हमारे होम्योपैथी के अंदर है, लेकिन सभी दवाइयां फुल फ्लेज्ड इनका प्रूविंग नहीं किया गया है। बहुत सारे जो है वो जिनका प्रूविंग जो है वो पार्शियल प्रूविंग है। तो ज्यादा करके एक 7-8 जो मेडिसिन है वो हम हमारे डिस्पेंसरी में ज्यादा यूज करते हैं। उनमें से जो पहला है वो है लैकेसिस, जो कि सबको मालूम है और उसका प्रूविंग भी अच्छी तरह से किया गया है। सो 1828 में डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन हेरिंग ने इसका प्रयोग किया था, उसका प्रूविंग किया था। लैकेसिस को ही सुरुकुकु स्नेक कहा जाता है, जो कि साउथ अमेरिके का एक बहुत बड़ा स्नेक होता है और डेडली पॉइजनस। दूसरा है नाजा ट्रिपिडियंस, जो कि हमारे इंडिया में इंडियन कोबरा जिसे हम बोलते हैं दिखाई देता है, तो ये भी डेडली पॉइजनस है और इसका जो प्रूविंग है वो डॉक्टर रसेल और स्टॉक ने किया था। करीबन 1853 में ये इसका प्रूविंग किया गया है। तीसरा है इलैप्स कोरियोलिनस, ये भी डेडली पॉइजनस है, इलैपिडी ग्रुप के स्नेक्स होते हैं। तो इनको कोरल स्नेक कहा जाता है बिकॉज दे आर वेरी मच अट्रैक्टिव, बहुत ही लविंग स्नेक कहते हैं हम उसको। तो इनका भी आविष्कार है डॉक्टर मूरी और उनके जो साथी है उन्होंने किया था। और क्रोटालस जो है इसमें भी दो प्रजाति होती है, क्रोटालस हरिडस और क्रोटालस कैस्केवेल। तो हरिडस जो है वो ज्यादा करके लोग यूज करते हैं क्योंकि उसका प्रूविंग भी अच्छी तरह से किया गया है। और इनका जो प्रूविंग है वो डॉक्टर हेरिंग ने और उनके साथियों ने किया था। नेक्स्ट जो है वो सेंक्रियस कॉन्ट्राटिक्स है, जो कि बहुत ही कॉपर हेडेड स्नेक बोलते हैं, लिथार्जिक होता है बहुत सारा। एक्चुअली ये हाइपेरिडी फैमिली के है, लेकिन फिर भी वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो लिथार्जिक होते हैं। इनका भी होम्योपैथी में आविष्कार किया है। उसके बाद आता है बॉथ्रॉप्स लैंसेलेटस, जो कि हम येलो हाइपर बोलते हैं। इसका जो प्रूविंग है डॉक्टर ओझा ने 1878 में किया था। देन वाइपेरा, जो कि वाइपेरिडी क्लास के हैं, वाइपेरा जो है जिसको जर्मन वाइपर स्नेक बोलते हैं हम लोग, ये डॉक्टर झार ने 1837 में 1837 में इसका प्रूविंग किया था। उसके बाद में सी स्नेक जो है दैट इज हेड्रोफिस साइनोसिंथस, उसके बाद टॉक्सिफिस बंगारस जिसको हम क्रेट्स कहते हैं, और डेंड्रोएस्पिस जिसको ब्लैक मंबा जो कि अफ्रीका में दिखाई देता है। तो ये अलग अलग प्रकार के स्नेक्स हैं जिनसे होम्योपैथी में दवाइयाँ बनाई जाती है, और आज हमारे मटरा अमेरिका में ये सारी दवाइयाँ हमें देखने को मिलती है। वैसे तो 17-18 है, लेकिन फिर भी जिनका प्रूविंग अच्छी तरह से हुआ है वही मेडिसिन के बारे में हम आज सोचने वाले हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो पॉइजन होता है ये एक्चुअली एक मिक्सचर है, ये प्रोटीन्स, टॉक्सिक प्रोटीन्स और एंजाइम्स इनका एक मिक्सचर होता है, और ये कम ज्यादा, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन भी होता है, इमोटॉक्सिन भी होता है और साइटोटॉक्सिन भी होता है। तो हर एक ऑर्गन के ऊपर इनका एक्शन रहता है। तो कुछ जो वेनम है उनके अंदर कार्डियोटॉक्सिन बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि ये कोबरा है, जो कि हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है उसको डैमेज करता है, उसको उसका पैरालिसिस कर देता है, और उसके जो सेल्स है उसको पूरी तरह से डैमेज करता है। तो जैसे कि नाजा है, लैकेसिस है, वाइपेरा है, इन स्नेक्स में ये ज्यादा करके दिखाई देता है। देन लैकेसिस जो है उसके अंदर भी कार्डियोटॉक्सिक जो है बहुत ज्यादा होता है। न्यूरोटॉक्सिक में इलैप्स और नाजा ज्यादा काम करते हैं, जो कि हमारा ब्रेन है और नर्वस सिस्टम है उसको पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। कुछ स्नेक जो है उनमें, उनके अंदर मायोटॉक्सिन होता है, जो कि
हमारी मसल की जो सेल्स है उसको पैरालाइज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि सी स्नैक्स में ज्यादा करके मिलता है और क्रेट्स में, जैसे बंगारत जो है। देन नेफ्रो, कुछ जो इवेनम्स होते हैं वो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, जैसे कि पिट वाइपर, वो हमारे किडनी के ऊपर ज्यादा असर करते हैं और किडनी के जो यूनिट्स है, नेफ्रॉन जिसे हम बोलते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं। देन हीमोटॉक्सिक जो है, जो कि ब्लड के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, इसमें क्रोटालस हरिडस है, लैकेसिस है, वाइपेरा है, जो कि ब्लड का डिस्ट्रक्शन करते हैं। हमारे जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज को डिस्ट्रॉय किया जाता है और उसकी वजह से ब्लड जो है वो फ्लूड बन जाता है, पानी बन जाता है। और ये ब्लड आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय होने की वजह से सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। देन कुछ जो है वो हेस्कुलोटॉक्सिक है, माने हमारी जो वेसल्स है वो वेसल्स के ऊपर इसका ज्यादा असर होता है, उनमें लैकेसिस है, वाइपेरा है, और कुछ जो है ग्लैंड्स के ऊपर काम करते हैं, ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे कि थायरोटॉक्सिक होते हैं ये क्रोटालस, कैस्केवेला, नाजा, वाइपेरा, इसके अंदर हमें दिखाई देते हैं। अभी ये जो स्नेक्स है, इलैपिड्स और वाइपेरिड्स, इनकी हमें देखना है कि इनका असर क्या होता है ये पॉइजन का, तो हमें फिर दवाई के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान होगा। तो इलैपिड स्नेक जो होते हैं, उनका जो पॉइजन है वो पॉइजन सबसे पहले न्यूरोटॉक्सिक, मतलब हमारा जो ब्रेन है और नर्व्स है उसके ऊपर ज्यादा असर करता है ये, और उसकी वजह से सिंकिंग फीलिंग होता है और ड्रॉजीनेस आता है, हमारा जो ब्रेन है काम नहीं करता है, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के ऊपर उसका ज्यादा एक्शन होता है, और उसके बाद में उसका धीरे धीरे एक्शन जो है वो ऑप्टिक नर्व के ऊपर भी होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लर्ड विजन होता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता है। हमारा जो नजर है तो एक के दो दो या तीन तीन आकृतियां हमें दिखाई देती है। उसके साथ साथ डिस्फेजिया, माने हमारा जो लैरिंग्स और फेरिंग्स है उसके ऊपर इसका असर होता है, उसका पैरालिसिस। और हमारे टंग का पैरालिसिस होता है, फेरिंग्स का है, लैरिंग्स का है, काप मसल्स है, और उसकी वजह से धीरे धीरे सारा शरीर जो है वो पैरालाइज हो जाता है। कार्डियक, मतलब हमारा जो हार्ट है और रेस्पिरेटरी जो मसल्स है उसका भी पैरालिसिस होता है, और लंग्स पैरालिसिस होने की वजह से लंग फेल्योर होता है, और अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो कोमा में जाता है और 4 से 8 घंटे में उसका डेथ हो जाता है। अभी जो वाइपेरिट्स है उनका थोड़ा सा असर अलग होता है। ये वाइपेरिट जो होते हैं तो ये ज्यादा करके सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर इनका ज्यादा इफेक्ट होता है, तो आरबीसी को तोड़ने की वजह से पूरा ब्लड जो है वो पतला हो जाता है, तो ब्लीडिंग गम्स दिखाई देते हैं, हर शरीर के हर ऑर्गन से आपको हिमोरेज दिखाई देगा, इसमें इपिटैक्सिस होता है, हिमोप्टैक्सिस होता है, हेमाटेमेसिस होता है, और ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से क्या हमारे शरीर के ऊपर सारा जो स्पॉट्स आ जाते हैं इकाइमोसिस के जैसा, और ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से जैसे किडनी में नेफ्रॉन्स ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ब्लीडिंग होता है जिसे हम हिमैचूरिया बोलते हैं, ये जो रेक्टम है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है जिसको हम मलीना बोलते हैं, और ज्यादा फ्लूड होने की वजह से पूरा ब्लड जो है डिस्ट्रॉय होने की वजह से हाइपोटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो गिर जाता है और पेशेंट शॉक में जाता है, और अल्टीमेटली पेशेंट कोलैप्स होता है क्योंकि बीपी बहुत ही डाउन होता है और पेशेंट अल्टीमेटली मर जाता है। तो ये दो प्रकार के जो है, इलैपिड्स और वाइपेरिट्स, इनकी जो शरीर के ऊपर असर होता है और डेथ होती है थोड़ी अलग प्रकार की। अभी ये जो सारे स्नेक मेडिसिन्स है ये मल्टीबायोजमेटिक होते हैं, इनके अंदर सोरी कंडीशन भी होती है, साइकोसिस भी होता है और सिफिलिटिक कंडीशन भी होती है,
इसीलिए ये ट्राई मायज्मेटिक होते हैं, तो ऐसा एक ही पर्टिकुलर ऐसा मायज्म नहीं, सारे मायज्म जिसमें हमें दिखाई देते हैं। तो बिफोर गोइंग टू एक्चुअल जो कंपैरिजन है वो जो हम करने वाले हैं, तो उसके पहले थोड़ा सा हम हर एक मेडिसिन का थीम देख लेते हैं, ताकि कंपैरिजन हमें थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लैकेसी से शुरुआत करते हैं। तो लैकेसी जो है, डॉक्टर हिरिंग ने 1828 में इसका प्रूविंग किया था। तो ये मोर हिमोरेजिक है, क्योंकि इसका जो टॉक्सिन है, इसका जो पॉइजन होता है, वो हिमोरेजिक कंडीशन के साथ साथ में न्यूरोटॉक्सिन भी करता है। ये जो लोग होते हैं वो बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, और ये शोवी पीपल्स होते हैं, वो दिखावा करते हैं ज्यादा। एक्चुअली वो जैसे होते हैं वैसा नहीं होते हैं, लेकिन दिखावा जरूर करते हैं, और ये रात के समय में ज्यादा सक्रिय रहते हैं इनके लिए, इसीलिए इनको नाइट पीपल भी कहा जाता है। सारे जो स्नेक मेडिसिन है वो सारे जीलस होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं और सस्पिशियस होते हैं, इतने सस्पिशियस कि कभी कभी तो मैरिड लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये बहुत ही कम्युनिकेटिव होते हैं, विशेषता लैकेसिस जो है ये बिल्कुल फास्फोरस के जैसा होता है, किसी के भी साथ में घुल मिल जाएंगे। शुरू में तो वो वैसा दिखावा नहीं करते हैं, छोटा बच्चा अगर है तो अपने माँ के पीछे छुप जाएगा, लेकिन बाद में वो जब खुल जाता है उसके बाद में वो आपका फ्रेंड बन जाता है, और जो जो भी आप पूछते हैं सारा ओपन कर देते हैं, सारा बताते। ये लोग जो है लैकेसिस वाले बहुत मैनिपुलेटर होते हैं, ये कनिंग भी होते हैं, और इनके अंदर बहुत ही बातूनी, जिसे हम लोकैसिटी बोलते हैं, ये इरिलीवेंट टाइप की लोकैसिटी होती है, जो कि क्रोटालस हाइडस से एकदम अलग है। क्रोटालस हाइडस में भी आपको लोकैसिटी दिखाई देती है, लेकिन उनकी जो लोकैसिटी है वो उसमें रिलीवेंसी होती है। ये जो है लैकेसिस, इसके अंदर टोटली इरिलीवेंसी होती है, और इनको कोई विषय की जरूरत नहीं है, किसी को भी बात नहीं करने देते, खुद ही बातें करते रहते हैं, और जंपिंग करते हैं, ये पॉइंट से वो पॉइंट के ऊपर जाएंगे, लेकिन वो बोलना नहीं छोड़ते। ये बहुत ही डोमिनेटिंग लोग होते हैं, डिक्टेटोरियल होते हैं, और विट्टी टाइप के लोग होते हैं, ये किसी का भी मजाक उड़ाएंगे, किसी भी चीज को हल्के में लेते हैं, और ये जो लैकेसिस है बहुत क्विक रिएक्ट करता है, इमीडिएट, जो भी आप जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको आप जो भी पूछेंगे आप इमीडिएट रिएक्शन देगा, जैसे कि स्नेक भी उसी टाइप का क्विक होता है। इनके अंदर जो ये सिडक्शन जो होता है, जैसे कि मैसिमो मेंजोलारी जो नॉर्वे के है, उन्होंने जो सिडक्शन के बारे में बताया है कि ये लोग जो है ऐसा दिखावा करते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट यू नो, और इलिगेंट है, बहुत फैंसी है, वो दिखावा करते हैं, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरे के ऊपर इंप्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं। लैकेसिस में पीरियडिसिटी हमें बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देती है, जो कि इंटरमिटेंट फीवर के बारे में ज्यादा, बिकॉज एवरी स्प्रिंग में बार बार ये लक्षण जो है वो एवरी स्प्रिंग में आते रहते हैं। ये जो पेशेंट है ये लैकेसिस का बहुत हॉट होता है और लेफ्ट साइडेड होता है, लेकिन इनका जो स्वेट है वो कोल्ड एंड क्लैमी होता है। तो ये जो लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस है ये जनरली एपोप्लेक्सी के बाद में दिखाई देता है, और ये सार धीरे धीरे सारे शरीर के अंदर हमको इसका पैरालिसिस दिखाई देता है। तो ये लैकेसिस की थीम है जिसके बारे में हमने देखा। अभी हम देखेंगे क्रोटालस हाइडस, जिसका जो थीम है वो है, ये लोग जो है दे आर वेरी कूल और दे आर डिटैच फ्रॉम द फैमिली, इनको फैमिली के लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, फ्रेंड्स भी पसंद नहीं होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि जैसे फैमिली में उनके अगेंस्ट में कोई प्लॉटिंग कर रहा है, उनके फ्रेंड जो है उनके अगेंस्ट में कुछ तो भी आ, आ,
ये जो कॉन्स्पिरसी कर रहे हैं, तो इनको फ्रेंड बिल्कुल नहीं चाहिए, ये दे डोंट वांट कंपनी, ये अकेला रहना पसंद करते हैं। हालांकि क्रोटैलस का दूसरा जो स्पीसीज है जिसको हम क्रोटैलस कैस्केवेला बोलते हैं, वो उसके अंदर आपको एकदम अपोजिट कंडीशन दिखाई देती है, वो कंपनी को पसंद करते हैं और सबके साथ में अच्छी तरह से मिलजुल के रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रोटैलस हारीडस जो है वो उसको कंपनी बिल्कुल नहीं चाहिए, दे वांट टू लिव अलोन, अकेला रहना पसंद करते हैं। ये लोग जो है वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, क्रोटैलस हारीडस वाले जो है बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं, दे आर वेरी स्नैपिश, बहुत जल्दी मतलब इमीडिएट कितना भी आप अच्छी बात करो वो उनको गुस्सा आ जाता है। ये सारे जो स्नेक्स है, चाहे वो लैकेसिस हो, लैकेसिस का पेशेंट हो या क्रोटैलस का, दे आर ऑल टिमिड इन नेचर, बहुत ही डरपोक होते हैं, और प्रोटैलस जो है वो सिंपैथेटिक होता है, दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करता है, दूसरों के लिए उनके दिल में प्यार होता है, लेकिन इनका इनकी जो जेलसी है, जेलसी से वो सस्पिशियसनेस बहुत ज्यादा होता है प्रोटैलस हाइडस में। जेलसी जो है वो हमें लैकेसिस में ज्यादा दिखाई देगी, उसके बाद इलैप्स में बहुत ज्यादा जेलसी दिखाई देती है, सेंचुरीज में बहुत ज्यादा जेलसी दिखाई देती है। तो ये क्रोटैलस जो है इसमें कॉन्स्पिरेसी जो है उसके बारे में मतलब जेलसी से सस्पिशियसनेस बहुत ज्यादा होता है। ये क्रोटैलस हारिडस का जो पॉइजन है या ये जो मेडिसिन होता है, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो ब्लड के ऊपर होता है और हर तरफ आपको हिमोरेज दिखाई देगा, सो दैट्स व्हाई यू विल फाइंड देयर इज हिमोरेज इन ऑल ओरिफिसेस ऑफ द बॉडी, कहीं भी जाइए आपको हिमोरेज दिखाई देगा है, एंड उसकी वजह से ये जो ब्लड डिस्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से हिमोलाइटिक जॉन्डिस होता है, सो क्रोटैलस हारिडस जो है वो हिमोलाइटिक जॉन्डिस में बहुत अच्छा मेडिसिन होता है। इसके अंदर जो है इसका जो स्वेट है एक्चुअली ब्लडी स्वेट कहा जाता है इसको, लेकिन इसमें एक्चुअल ब्लड नहीं होता है, ये जो स्वेट है ये रेडिश कलर का होता है, जहां भी हमारे शरीर के ऊपर ये जम जाएगा तो थोड़ा सा रेडिशनेस वहां हमें दिखाई देता है, क्योंकि पोटालस जो है वो बहुत ही हिमोरेजिक रेमेडी है। इसके जो हिमोरेज है वो डार्क होते हैं, ब्लैकिश होते हैं, और कहीं से भी हर एक सिस्टम में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट, हर तरफ आपको हिमोरेज दिखाई देगा। क्रोटैलस हारिडस लैकेसिस के जैसे ही लोकेसियस होते हैं, लेकिन लैकेसिस के जो लोकेसिटी है वो लोकेसिटी इरिलीवेंट होती है, उनको कोई कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, कोई चार लोग बात कर रहे होंगे तो वहां जाकर के वो उनकी बात छीन लेंगे और खुद ही बात करते हैं, मतलब इतने बातूनी होते हैं कि किसी को बात करने ही नहीं देते। ऑन द कॉन्ट्री क्रोटैलस जो है वो बहुत ही रिलीवेंट बात करता है, और इसकी एक खासियत है कि इनके मतलब बात करते करते दे आर हैविंग डिजायर टू एस्केप, वहां से भाग जाने की कोशिश करते हैं ये लोग, और बात करते करते दे आर ऑलवेज स्टम्बल मम्बल एंड फम्बल, वो हमेशा झिझकते रहते हैं, वो कंटिन्यूस बात नहीं करते, लैकेसी जो है वो कंटिन्यूस बात करता है, लेकिन वो बात यहाँ क्रोटैलस में हमें नहीं दिखाई देती है। इसमें क्रोटैलस में हमेशा एक फीलिंग होती है बेट्रियट, कोई भी मुझे चीट कर रहा है, मुझे फंसा रहा है, और स्पेशली उसको लगता है कि हमारे फैमिली के जो मेंबर्स है, फैमिली के जो लोग हैं, वो हमें फंसा रहे हैं, इसलिए वो फैमिली से दूर रहना पसंद करता है, फैमिली के साथ ज्यादा बात नहीं करता है, फैमिली के साथ ज्यादा रहता नहीं है, इसीलिए दे आर हैविंग एवर्जन टू फैमिली मेंबर्स, ये इसकी एक खासियत है। इसके अंदर लो मटरिंग टाइप ऑफ डेलिरियम होता है, जो कि जो लोकेसिटी है वो क्या खुद के साथ ही बात करते हैं, दे टॉक्स टू हिमसेल्फ, एंड पिकुलैरिटी जो है ये लोकेसिटी की यही है कि वो खुद से ही बात करते रहते हैं, ये इनका जो सिडक्शन है मतलब दूसरों को इम्प्रेस करने का जो तरीका है
तो मैक्सिमम मेंजोलावरी ने जो बताया है कि ये लोग जो है ये ऐसे दिखाते हैं कि सी हाउ आई टेक केयर ऑफ माय फैमिली, आई एम केयर टेकर। एक्चुअली वो दिखावा करते हैं, वो फैमिली की केयर तो करते हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री दे आल्सो हेट्स द फैमिली। दैट इज द पिक्युलैरिटी ऑफ कोटेलिस। दोनों भी बातें हैं, दिखाता है कि दे आर वेरी केयर टेकिंग पर्सन, और वो ऐसे सिंपैथेटिक भी होते हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री वैसा अंदरूनी जो है वो दे हेट देयर फैमिली। देन हम बात करेंगे क्रोटालस कैस्कैवेला, जो कि क्रोटालिडी फैमिली का है। क्रोटालस फ्लोरिडस के जैसा ही ये होता है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है कि ये क्रोटालस कैस्कैवेला जो है इसको हमेशा एंजाइटी होती है कि वो बीमार है, वो दे आर वेरी एंग्सियस अबाउट देयर हेल्थ, और हाइपोकॉन्ड्रेटिक कंडीशन होती है इन लोगों में। और क्रोटालस फ्लोरिडस के जैसा इतना जो हिमोरेजिक कंडीशन है वो हमें कैस्कैवेला में नहीं दिखाई देती है। ये लोग जो है ये क्रोटालस फ्लोरिडस से एग्जैक्टली अपोजिट है। क्रोटालस फ्लोरिडस कंपनी बिल्कुल नहीं चाहता है, ही वांट्स टू लिव अलोन, और यहाँ ये जो लोग है ये अकेला रहना को डर लगता है इनको। दैट्स व्हाई दे ऑलवेज वांट्स कंपनी। दिस इज द पिकुलैरिटी, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ क्रोटालस फ्लोरिडस एंड क्रोटालस कैस्केवेला। ये दोनों में बहुत फर्क है। तीसरी बात जो है ये इनकी जो सेंसिटिविटी होती है, बिकॉज हम जैसा कहते हैं कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं, तो इसके अलावा एक सेंस जो है जिसे हम 6th सेंस बोलते हैं, तो 6th सेंस इनमें कैस्केवेला में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो इतना ज्यादा कि दे एक्चुअली आपका जो भविष्य है वो बैठे बैठे आपका भविष्य बता देते हैं। दे फोरकास्ट, दे टेल योर फोरकास्ट, जो भी है वो बता देंगे, और अच्छी तरह से आपको वो जानते भी नहीं, फिर भी वो कहेंगे कि आपके बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, और वो सही मायने में आपका भविष्य बता देते हैं। सो इनका जो 6th सेंस है वो बहुत ज्यादा एडवांस होता है कैस्केवेला में, ऐसा एज टू कंपेयर द अदर जो भी स्नेक रेमेडीज है। हालांकि ये जो क्लियर वायंस है वो सभी में होता है, लेकिन कैस्केवेला में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। सो दे आर वेरी अलर्ट पीपल्स, और ये जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कि कैसे है। सो दे ट्राई टू सेड्यूस। मैसिमो रेंजिनो ने ये कहा है कि ये जो इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं कैस्केवेला, तो वो ये इम्प्रेशन जमाते हैं कि सी आई एम वेरी, माय क्लेयरवॉयंस इज वेरी नाइस, यू नो दे ट्राई टू सेड्यूस। सिडक्शन जो है दैट इज बाय शोइंग द क्लेयरवॉयंस, और दे वो आपका भविष्य बताएंगे, कोई आगे होने वाली जो घटना है वो घटना के बारे में बताएंगे, और वो सच भी होता है। सो दैट इज द पिकुलैरिटी ऑफ क्रोटालस कैस्केवेला। इसका सिडक्शन जो है वो इसी की वजह से वो इम्प्रेस करना चाहते हैं सामने वाले को। इसके अंदर वैसे तो हरी सारे जो मेडिसिन है वो ऑफिडिया के, इनके अंदर ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स होते हैं, समझे ना। सो डिफरेंट जो ड्रीम्स है वो इनके अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे कि नाजा है तो उसका जो ड्रीम है वो ओनली वुडेड स्नेक का ड्रीम्स वो लोग देखते हैं, लेकिन बाकी सभी के अंदर आपको स्नेक के ड्रीम्स दिखाई देंगे। तो ये जो कैस्केवेला है इसके अंदर स्नेक ड्रीम के साथ साथ में ड्रीम्स ऑफ होस्ट एंड बैटल्स, जैसे कि कोई बहुत ही जंग लड़ रहा है, या फिर जो भूत है भूत प्रेत के उनको सपने आते हैं, यू नो। और दोनों में एक्चुअली ये राइट साइडेड हेमिप्लीजिया इसमें दिखाई देता है, क्योंकि क्रोटालस कैस्केवेला जो है एंड क्रोटालस फ्लोरिडस ये एक्चुअली राइट साइडेड रेमेडी, जो कि हम लैकेसीज बाकी के जो है वो लेफ्ट साइडेड है, लेकिन लैकेसी जो होता है बहुत हॉट होता है, क्रोटालस जो है वो हमें दिखाई देगा कि ये राइट साइडेड रेमेडी है ना। ये क्रोटालस का जो आविष्कार है डॉक्टर मुरी और हिंगिस ने किया था, तो इनका जो सिडक्शन है वो क्लेयर वॉयंस की वजह से
वो देखना चाहते हैं इसको। देन आगे का जो मेडिसिन है, वो है नाजा। एक्चुअली नाजा जो है वो 1853 में, 1853 में डॉक्टर लुसेल और स्टोक ने इसका प्रूविंग किया था। इंडियन कोबरा जो है, जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं, एक्चुअली इंडियन कोबरा से बनाई हुई मेडिसिन होती है। नाजा जो है ये बहुत ही हुड वाला, जिसे हम कहते हैं, इसको फन होता है, एंड दे कैन रेज देयर फन, और वो 3 से 4 5 फीट तक वो खड़े रह सकते हैं। इस टाइप के बहुत बड़े बड़े स्नेक्स होते हैं, करीब करीब मतलब 10 से 15 फीट 20 फीट तक के भी जंगल में हमको दिखाई देते हैं। इसका जो एक्शन है, एक्चुअली नाजा का जो पॉइजन है उसका जो एक्शन होता है, सो नाजा मेडिसिन जो है इसका एक्शन, इट सेटल्स नियर बाय द हार्ट, ब्रेन, एंड नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो हार्ट है उसके आसपास में ही आपको ये दिखाई देता है। जैसे लैकेसिस में, लैकेसिस जो है वो हार्ट के ऊपर एक्शन करता है, क्रोटालन जो है उसका भी हार्ट के ऊपर एक्शन होता है, लेकिन जो लैकेसिस है उसका जो एक्शन होता है वो, दैट इज रूमैटिज्म जिसे हम बोलते हैं, रूमैटिक हार्ट, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ लैकेसिस, रूमैटिक हार्ट। लेकिन नाजा का वैसा, नाजा जो है इसका एक्शन, इट सेटल्स नियर बाय हार्ट, और उसी के साथ में हमारा जो ब्रेन है, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा एंड नर्वस सिस्टम, इसके ऊपर सबसे ज्यादा असर होता है इसका। और इसका जो हार्ट के ऊपर एक्शन है, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। लैकेसिस का जैसे है कि रूमेटिक हार्ट के बारे में हम सोचते हैं लैकेसिस को, लेकिन नाजा जो है इट हैज अ स्पेशल एक्शन ऑन द वाल्व्स ऑफ द हार्ट। तो जो मिट्रल वाल्व है, बाइकुस्पिड ट्राइकुस्पिड वाल्व जो है, एओर्टिक वाल्व है, वो ये अलग अलग प्रकार के जो वाल्व है उसके ऊपर इसका एक्शन हमें दिखाई देता है। तो इसके ऊपर एक्शन होने की वजह से क्या होगा, वाल्व जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, समझे ना। इसलिए जैसे कि स्टेसिस है, ये रिगर्जिटेशन है, इस टाइप की जो डिजीज होते हैं उसके लिए नाजा बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, बिकॉज नाजा जो है वो न्यूरोटॉक्सिक होने की वजह से हमारे न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व जो है वो, जैसे कि लैकेसिस है वो भी न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व के ऊपर ज्यादा असर करता है, वैसे ही नाजा जो है इसका एक्शन भी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके ऊपर होता है, और हमारे लंग्स का पैरालिसिस हो जाता है। सो निमो गैस्ट्रिक नर्व जो होती है उसके ऊपर एक्शन होने की वजह से धीरे धीरे पेशेंट जो है वो पैरालाइज लंग्स होने की वजह से सांस ले नहीं पाता और मर जाता है। इसके अंदर एक डर बहुत होता है, फियर ऑफ रेन, नाजा में ये स्पेशलिटी है। इलैप्स में भी आपको दिखाई देगा कि देर इज फियर ऑफ रेन, एंड नाजा जो है दे ऑलवेज वांट्स कंपनी, वो फ्रेंड्स चाहते हैं, कंपनी चाहते हैं, लेकिन नाजा जो है वो बहुत कम बात करता है। जैसे कि लैकेसिस से बहुत ज्यादा बात नहीं होता है, वेरी नाजा जो है बहुत कम बात करता है, लैकेसिस जो है वो बात ही बात करते रहता है, समझे। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सो एवर्जन टू टॉक, दैट इज द पिक्युलैरिटी ऑफ, बहुत कम बोलते हैं ये लोग, ज्यादा ओपन नहीं होते हैं, समझे ना। पर ये हार्ट के ऊपर एक्शन होने की वजह से हार्ट के हाइपरट्रॉफी हो जाती है, देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द वेंट्रिकल, सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए नाजा बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है। एंड ऑल वाल्वुलर डिजीज, चाहे वो कौन सी वाल की डिजीज हो, उसके लिए नाजा बहुत ही अच्छा मेडिसिन। नाजा जो है ये बहुत ही डिग्निफाइड लोग होते हैं, दे आर वेरी स्टैंडर्ड पीपल्स, बहुत डिग्निफाइड, और अपनी ड्यूटी, वेरी ड्यूटी कॉशियस, हमेशा अपनी ड्यूटी, कभी भी वो मतलब टाइम पास नहीं करेंगे, हमेशा ड्यूटी बाउंडेड होते हैं, जैसे कि काली फैमिली होती है वैसे। और ये फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं,
नाजा जो है वो दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, सबका ख्याल रखते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, हर एक कोई बीमार होगा तो इमीडिएटली उसका केयर करेंगे, उसके लिए दवाइयां लाएंगे, तो दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पीपल। जबकि क्रोटालस वारिडन जो है वो टोटली अलग है, दे डोंट वांट, फैमिली से दूर रहना पसंद करते हैं, दे हेट देयर फैमिली, बट नाजा जो है दे लव्स देयर फैमिली, देन ये बहुत ही रिजर्व लोग होते हैं। नाजा जो है दे आर वेरी रिजर्व बिकॉज दे आर डिग्निफाइड पीपल्स, दे खुद को एक अलग रैंक में रखना चाहते हैं, एंड दे आर मेलेंकोलिक, हमेशा ब्रूड करते हैं, जैसे कि नेटर मूड में हम देखते हैं ब्रूडिंग और हम मेट में ब्रूडिंग देखते हैं, वैसे ही नाजा इज ए डीप ब्रूडर, बहुत ही ब्रूडिंग करता है, इसीलिए वो मन के मन में ही कूदते रहता है, अभी ब्रूडिंग जो है वो ऐसे नेटर मूड में भी है, लेकिन नेटर मूड का जो ब्रूडिंग होता है वो पुरानी बातें जो है वो पुरानी बातों को लेकर के रहता है, जबकि राजा जो है वो रिसेंट है उसके ऊपर भी ब्रूडिंग करते रहता है। देन इनको हमेशा ऐसा लगता है, वैसे तो ऑल स्नेक फैमिली जो है इनके ऊपर उनको ऐसा हमेशा लगता है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, बिकॉज दे डोंट हैव द लिम्स, उनका बहुत ही ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म एक ही है उनके पास में, और वो है पॉइसन, दूसरा कुछ भी नहीं है, सो ये हेड में पॉइजन होने की वजह से ऑल जितने भी स्नेक्स रेमेडीज है दे आर वेरी सेंसिटिव टवर्ड्स द नेक, जैसे कि स्नेक जो है जैसे आप गर्दन पकड़ोगे तो स्नेक कुछ नहीं कर पाता, वैसे ही ऑल स्नेक मेडिसिन्स दे आर वेरी सेंसिटिव टवर्ड्स द नेक, एंड आल्सो दे आर सेंसिटिव टवर्ड्स द, जैसे कि पेट के ऊपर कपड़ा भी नहीं सहन करते ये लोग, दे आर वेरी सेंसिटिव टू टच, सो इनको हमेशा लगता है कि दे फीलिंग रहता है उनमें कि बीइंग नेगलेक्टेड, हमें नेगलेक्ट किया गया है, हमारे साथ में अन्याय किया गया है, सो दैट्स व्हाई दे आर ग्रेट बुडर, और इनको हमेशा स्नेक के ड्रीम्स आते हैं, बट पिकुलैरिटी ऑफ नाजा ड्रीम्स इज दे ड्रीम्स द हुडेड स्नेक, जो कि दूसरों स्नेक्स में आपको नहीं दिखाई देता है, एंड नाजा क्या और एक खासियत है, दे वॉन्ट्स टू कमिट सुसाइड, बिकॉज सुसाइडल इंसैनिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा दिखाई देती है, ये लोग जो है दे कांट गेयर क्रिटिसिज्म, नाजा जो है दे डोंट लिसन अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट देम, नॉट ओनली अगेंस्ट देम, अगेंस्ट देयर फैमिली ऑल्सो, ये बहुत ही पिकुलैरिटी होती है नाजा की, सो क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं, एंड दे आर वेरी कूल, वेरी कूल, एग्रेसिव नहीं होते हैं अनलेस एंड अंटिल यू प्रोवोक देम, जैसे कि इवन द ये नाजा जो मतलब स्नेक है वो भी वैसा है, इफ यू अप्रोच देम एज सुन एज यू गो नियर टू नाजा दैट इज कोबरा, सो इमीडिएटली विल वार्न यू, वो इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे, वार्न करेंगे पहले, दे जस्ट बाय प्रोड्यूसिंग हिसिंग साउंड आपको बताते हैं कि दिस इज माय टेरिटरी डोंट कम, बिकॉज दे डोंट दे डोंट लिसन टू एनीबडी, एंड दे डोंट वांट एनी एंक्रोचमेंट इन देयर टेरिटरी, ये इनकी खासियत होती है, देन ये इस इनका जो सिडक्शन है, तो मैसिमो मैंगलोरी बोलते हैं कि इनका जो सिडक्शन है वो ऐसा बताते हैं दे ट्राई टू इम्प्रेस अदर पीपल्स बाय क्रिएशन, दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल्स ऑल नाजा, दे आर वेरी गुड क्रिएटर, इसके साथ साथ नया कुछ तो भी करना चाहते हैं, नया कुछ करके दिखाना चाहते हैं और दिखाते भी है, एंड दैट्स व्हाई दे ट्राई टू इम्प्रेस द अदर पीपल्स, इनमें एक खामी होती है, दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, और दे आर एबसेंट माइंडेड, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसकी वजह से दे आर एबसेंट माइंडेड, इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो सारे, वैसे तो सारे स्नेक्स में आपको कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई देगा, जैसे कि लैकेसिस है उनके अंदर जो कॉन्स्ट्रिक्शन एट द नेक, फैंग्स
फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, इसोफेगस है, इनका कॉन्स्ट्रिक्शन, थ्रोट का पूरा कॉन्स्ट्रिक्शन, दैट्स व्हाई दे डोंट बियर एनी टच इवन, क्योंकि वहां कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इवन चेस्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव होता है, प्रेशर होता है, यू नो। सो नाजा इज लेफ्ट साइडेड बट नाजा इज द चिली रेमेडी, यू नो। ये फर्क है नाजा और लैकेसिस में। लैकेसिस लेफ्ट साइडेड तो है बट लैकेसिस हॉट है, नाजा जो है वो लेफ्ट साइडेड है बट नाजा इज वेरी चिली, यू नो। देन नाजा में ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। सो दिस नाजा इज वेरी नाइस मेडिसिन फॉर द हाइपोटेंशन, जबकि लैकेसिस में हाई बीपी के लिए हम अच्छी तरह से उसको यूज कर सकते हैं। नाजा में पल्स जो है वो इरेगुलर होती है और बहुत स्लो होती है। एंड नाजा के खासियत, दे आर नॉन यू नो, कि ब्लीडिंग जो है नाजा में बिल्कुल ही आपको कम दिखाई देगा। हाँ, ऑन द कॉन्ट्री लैकेसिस जो है, इल्यास है या फिर कुटालस हॉरिडस है, वाइपेरा है, इनके अंदर हमको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा दिखाई देता है, यू नो। लेकिन नाजा में इवन बाइट होने के बाद भी वहां ज्यादा हमें खाली इडिमा दिखाई देता है, ब्लीडिंग जो है बहुत कम होता है, यू नो। बट इनकी खासियत ये है कि बिकॉज देयर एक्शन इज ऑन द नर्वस सिस्टम, ब्रेन, और उसकी वजह से पैरालिसिस होता है। तो नाजा का पैरालिसिस जो है, इट इज अ वेरी पिक्यूलियर पैरालिसिस, दैट इज बल्बर पैरालिसिस, यू नो। सो व्हाट हैपेंस इन बल्बर पैरालिसिस, एक्चुअली देयर इज वीकनिंग ऑफ द लोअर क्रैनियल नर्व्स, जो लोअर क्रैनियल नर्व्स होते हैं 9, 10, 11 और 12, ये जो क्रैनियल नर्व्स है ये कमजोर हो जाते हैं, दैट इज, एंड इडिमा होता है वहां पे, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ बल्बर पैरालिसिस। इडिमा ज्यादा करके हमको वहां दिखाई देता है। देन नाजा की और एक खासियत है, वो है कि जितने भी स्फिंक्टर्स हैं, जैसे कि पायरोरिक स्फिंक्टर हो, चाहे वो एनल स्फिंक्टर हो, चाहे वो ड्यूडेनल स्फिंक्टर हो, या चाहे कोई भी स्फिंक्टर हो, वो स्फिंक्टर का जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल लॉस हो जाता है, बिकॉज इनका जो एक्शन है वो ये स्फिंक्टर के ऊपर एक्शन होकर के उसको रिलैक्स कर देता है, उसका पैरालिसिस होता है और उसकी वजह से कंट्रोल नहीं रहता है, दे आर वाइडली ओपन, दैट इज द पिक्यूलैरिटी ऑफ नाजा, यू नो। एंड नाजा लोग, ये जो पीपल होते हैं, दे आर वेरी नोबल पीपल, नोबिलिटी ये इनके अंदर, मॉरेलिटी और नोबिलिटी, वो कोई भी गलत काम नहीं करना चाहते हैं, समझे। जबकि हमारा जो लैकेसिस है, दे आर बहुत ही, मतलब क्या कहेंगे हम उसको, कि वो हमेशा प्लॉटिंग करते हैं, समझे ना, कोई भी बात जो है वो छुपा के करते हैं, पता भी नहीं चलने देते सामने वाले, क्योंकि दे आर मैनिपुलेट, यू नो। लेकिन नाजा का वैसा नहीं है, नाजा बहुत मॉरल होता है, बहुत नोबल होते हैं ये लोग, एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, कोई भी काम करेंगे तो बहुत जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं, जबकि लैकेसिस जो है वो हमेशा चीटिंग करते हैं, यू नो, बिकॉज लैकेसिस दे आर कनिंग इन नेचर, जबकि नाजा ऐसा नहीं करता है। देन द नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो इलाप्सिस्पोरा। डॉक्टर डॉक्टर पाटिल, यस सर, अभी हम लोग के पास में केवल 5 मिनट बचा है, 4 मिनट आप केवल बोल सकते हैं, 4 मिनट केवल आप बोल सकते हैं। जी ओके सर, ओके ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो नेक्स्ट जो है, दैट इज इलाप्सिस्पोरा, जो कि म्यूर और लिप्पी ने इनको 1854 में प्रूव किया था। ये बहुत मल्टी टैलेंटेड पीपल्स होते हैं, डिग्निफाइड होते हैं, लेकिन इगोइस्टिक बहुत होते हैं, यू नो, बिकॉज दे क्रेज फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। इलैप जो है वो अपने पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा केयर करता है, वो हमेशा उसको लगता है कि मेरे पोजिशन को खतरा है, यू नो। सो दे आर फियर ऑफ लूजिंग पोजिशन, ये इनके अंदर इमेज जो है, दे आर वेरी इमेज कॉशियस, यू नो, उनको हमेशा लगता है कि somebody ट्राई टू डिस्ट्रॉय देयर इमेज, यू नो। एंड इलैप जो है, दे हैव
they have to aversion to company. They are right-sided and chilly because Naja and Elaps, both medicines, they are very chilly. Other medicines, they are hot in nature, you know. और इसके खासियत है, इसका जो ब्लड जो है दैट इज ब्लैक इन कलर. इनके जो डिस्चार्जेस है, ऑल डिस्चार्जेस दे आर ब्लैक इन कलर, यू नो. देर इज स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डेंजर. लैब्स को हमेशा लगता है कि वहां कोई खतरा है, यू नो, एंड थ्रेट. दैट्स व्हाई एंड दे हैव द ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस, यू नो, क्योंकि उनकी पोजिशन जो है, उनको हमेशा लगता है मेरी इमेज को खतरा है, मेरी पोजिशन को खतरा है. Somebody try to down my position, और इसीलिए उनको इस टाइप के सपने आते हैं. और स्पाजम, इसोफेगस का स्पाजम होता है इसके अंदर. इसकी एक पिकुलैरिटी है, दैट इज हेरिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है एंड फूड एंड लिक्विड जो है दे सडनली अरेस्टेड इन द थ्रोट बट लेटर ऑन दे फॉल हेविली इन टू द स्टमक. दैट इज द पिकुलैरिटी ऑफ इलास्पोरेंस, यू नो. सो Elaps corallinus is a Elapids remedy, you know. They are very multi-talented, dignified log hote hain, bilkul naja ke jaisa, lekin egoistic hote hain. They don't, that's why they don't bear the competitor. Koi bhi competitor ho, immediately wo unke saath jhagda karenge, and they try to always number one. Koi bhi unki position chhinna le, iski koshish karte rehte hain. You know, but these people, they are very nice, बहुत ही स्वभाव से अच्छे होते हैं and by soft by nature, बहुत ही, जबकि हम क्रोटेलस देखते हैं बहुत गुस्से वाला होता है, लेकिन इलैप जो है वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं. नाजा भी जो है वो भी आपको बहुत कूल दिखाई देगा, कभी एकदम सडनली एंग्री नहीं होते ये लोग. सो दिस इज ऑल अबाउट द इलैप्स कोरेलिनस. वैसे और मेडिसिंस रहे हैं, और उसके बाद में हमें एक्चुअली जो डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस है उसकी कंपैरिजन हमें करनी थी, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम वो हम कर नहीं सकते. अगर मौका मिला, सर ने अगर मौका दिया, तो नेक्स्ट टाइम में मैं ज़रूर जो क्लिनिकल कंडीशन है, जैसे कि हिमोरेज है, कॉन्स्टिक्शन है, पीरियडिसिटी है, हार्ट अफेक्शंस है, किडनी अफेक्शंस है, लीवर अफेक्शंस है, पीरियडिसिटी है, यू नो. सो अलग अलग प्रकार के जो भी क्लिनिकल कंडीशंस है उसके अंदर ये 7-8 मेडिसिन का क्या क्या कंपैरिजन है, वो अगर आप समय देते हो तो नेक्स्ट टाइम में ज़रूर डिस्कस करेंगे. मैं डॉक्टर साहनी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया, और वो हमेशा मेरे लिए रिस्पेक्टेड रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से, बहुत समय से उनको जानता हूँ. दे आर वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन फॉर मी. बाकी का थोड़ा बहुत जो बचा है वो अगर मौका नेक्स्ट टाइम. थैंक यू डॉक्टर पाटिल, आपने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन किया है, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम लोग अब अगला सेशन आपका इसी टॉपिक पर रखेंगे, है ना. मैं आपसे बात कर लूँगा, डेट आपसे कर लूँगा, क्योंकि तो आपका जो एक्सपर्टीज है वह आपका ग्रुप रेमेडीज में, आपने जो किताब भी लिखा है उसका काफ़ी चर्चा है लोगों के बीच में, इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया और आपके यहाँ पर आए, हम लोगों का मार्गदर्शन किया. सभी लोग आपसे काफ़ी प्रभावित हैं, और फिर हम लोग अगला सेशन में आपसे मिले. आप थोड़ा सा समय, हाँ, इसको करेंगे. डॉक्टर अंकिता जी, अब हम लोग डॉक्टर धनेश को ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच पाटिल सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें अपना टाइम के रह गए हैं, हम लोग उसको नेक्स्ट एक और पार्ट में कवर कर लेंगे. तो थैंक यू सो मच सर. और इसी के साथ में हमारा 7 से 8 का हिंदी सेशन समाप्त होता है, और 8 बजे से 9 बजे तक के इंग्लिश सेशन के लिए सभी लोग इसी सेम लिंक से जुड़े रह सकते हैं. और उसको मॉडरेट करने के लिए धनेश सर को मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ. ओवर टू यू सर. थैंक